मैं पुनः पुनः आप सभी को हृदय से नमन करता हूँ। परमादरणीय सम्मानी हमारे अभिन्न अंग जिस कार्यक्रम को सुनेंगे सीधे मुंबई से हमारे राज भाई और आपके परिवार के सभी सम्मानित व्यक्तियों को मैं नमन करता हूँ। देवी स्वरूपा माताओं बहनों को शरणों में प्रणाम करता हूँ। विद्वान जनमानस एकत्रित सभी को पुनः पुनः नमन करता हूँ। एक नाम मैं भूल रहा था जो देश विदेश में ये कार्यक्रम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से फैलाएंगे हमारे भाई संजय जी जो आज उपस्थित हैं केएस म्यूजिक एचडी स्टूडियो वो भी उपस्थित हैं। आज के तीन दिन चार दिन बाद इस कार्यक्रम को आप लाइव सुन सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। मैं आप कर दे स्वागत करता हूँ। आइए कार्यक्रम का सीधे शुभारंभ हो रहा है। कुछ औपचारिकताएं होती है जिनका निर्वाह करते हुए इस कार्यक्रम का आगाज है। सुनिएगा सुमकशेक दंतस्य कपिलो गज कर्ण कहा लंबोदर विघटो विघ्न नाशो विनायक धूम्र केतु गणाद शोभाल चंद्रो हो गजानना स्वाद शैतानी नामानिया पठिए सुनियादपि श्री गणेश जी महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदेन्द तुषार हार धवला या सुमृष्टाव्रता या वीरावर तन मंडित कराया स्वेत पद्माशना चित शंकर प्रभु तिमिर देवै सदा वंदिता श्यामा पाठ सरस्वती भगवती निशेष जाम हेम शैलावले हम धनुजर कृष्णानम ज्ञानी नामागणम सकल गुण निधानम मान राणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जात नमामि। कोई भी कलाकार अपनी कला की प्रस्तुति के लिए तैयार होता है खड़ा होता है सर्वप्रथम माँ कला की दात्री सरस्वती की वंदना करता है। परंपरा का निर्वाह करते हुए महारानी का आह्वान करते हैं, महारानी को मनाते हैं और कहते हैं माँ सरस्वती सरदायनी पंडति जियो को रचना में आकर रमोमा रस अमृत दो घोल ऊंची देहरिया मोरी मात की चढ़ो ना उतरो जाए कहियो मोरी मात से मोरी बहिया पकड़ ले जाए। भक्त के मन में जब कब की भावनाएं होती है भक्त दरबार में पहुंचता है और कहता है माँ माँ अरे दे दे थोड़ी ममता माँ थोड़ी ममता 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 मई ममता मई माँ कि तेरे सिवा मेरा तेरे
चांदनी चांद खिलते ना देखा, स्नेह दीप जलते ना देखा, बिना बादलों के रही भूमि प्यासी और बिना माँ के जीवन संभलते ना देखा। भक्त माँ को अनगिनत नाम से पुकार रहा है, हे माँ तो ही अमृत शिवा शिवानी ऐसे नहीं होगी। हाँ होगी कैसे? कैसे प्रबल प्रेम का प्याला, प्रबल प्रेम का प्याला मुझे मत पिलाना, शारदे ना मुझे भूल जाना। बड़ी आस लगी है इन भक्तों को, जैसे ही मालूम पड़ा लोगों को ये कार्यक्रम रिंकी दीवारी बप्पू बरवाना के बीच में है, लोगों के होश उड़ गए, लोगों के होश उड़ गए। लेकिन महारानी आपसे प्रार्थना है कि ये कार्यक्रम ऐसा हो कि आगे जब इस YouTube चैनल के माध्यम से सुने तब भी उनके होश उड़ जाएं। प्रार्थना है आपसे। भक्त कहता है माँ तू मेरी पूजा मारे तुझी रिश्ता कायम कर रहा है। हाँ। कर रहा है माँ, बाप क्या है और मैं क्या हूँ। ये तो मेरा पूजारा, मैं हूँ पुजारे, मैं तेरा बेटा मैया, मैं तेरा बेटा मैया, तू है महतारी, यदि आप माँ है मैं आपका लाल हूँ। हाँ। तो आपका महारानी दायित्व बनता है क्या? क्या आम चल में लेकर मैया, आम चल में लेकर मैया, लोरिया सुनाना, भैया दादा लोग बैठे हुए हैं, हमारी माताएं बहने दूर बैठी हुई हैं। मैं सभी लोगों से एक निवेदन करूंगी, जिन भक्तों को माता रानी ने दो सुंदर से हाथ दिए हैं और एक प्यारी सी जिव्या दी है, एक बार दोनों हाथ
हाथ उठा के जोरदार जयकार लगाएंगे ताकि उसके बाद हम लोग भी आकाश कर सकें। बोलिए सच्ची दरबार की, बोलिए दुर्गे मैया की। दद्दा हाथ भरोस में दैया ऊपर हाथ उठा ले, आज यहाँ पर उठा लीजिए, कल न जाने किसके ऊपर कैसे उठ जाए। क्यों चच्चा? हाँ, इसलिए ऐसे काम नहीं करने हैं। धन्यवाद है। बोली दुर्गे मैया की, बोली अपने अपने माता पिता की, बोली अपने अपने गुरुजनों की। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए यहीं से चलते हैं, अपनी ओर से कार्यक्रम प्रस्तुत है, सभी लोगों को मेरी ओर से प्रणाम है। अधिक समय नहीं लूंगी क्योंकि ढोलक वाले घंटे भड़बड़ करते हैं, बिल्कुल वो हम लोगों ने समय बचा दिया है और क्या, जिस्ती की भड़बड़ नहीं हुई है। वैसे भी कीर्तन सुनने लोग आए हैं तो कीर्तन का ही काम हो, बिल्कुल आइए। जैसा कि परवाना जी ने बड़ी सुंदर सी महारानी की वंदना की है, उसी श्रृंखला में मैं भी एक संगीत प्रेमी, एक सरस्वती पुत्री होने के नाते मेरा भी दायित्व है कि माता रानी को जरूर याद करूं। क्या बात, आइए चंद पंक्तियों में पहले भगवान गणेश को, क्योंकि कहते हैं विघ्नों की हर्ता भी है बाबा गणेश और विघ्नों की कर्ता भी है बाबा गणेश। विघ्न करते भी हैं, विघ्न हरते भी हैं, इसलिए आइए चंद पंक्तियों में बाबा गणेश को बुलाते हैं, उसके बाद चंद पंक्तियों में मैया सरस्वती की वंदना की, माँ इस मंच पर आए, इस कार्यक्रम को सफल से भी सफल बनाए ताकि हम लोग जो भी गीत गाएं वो सुनने वालों को अच्छा लगे और जो आए हैं वो यहाँ से जाए ना। दादा कब तक? जब तक हम लोग ना जाए तब तक ये लोग भी ना जाए। आइए चलते हैं, भगवान गणेश को बुलाते हैं चंद पंक्तियों में, जय जय। क्योंकि बहुत कार्यक्रम हुए आपके रायबरेली में भैया जी, लोगों ने सुना है और अब तो वैसे भी सुन सकते हैं, यूट्यूब इतना बढ़ गया है, कोई कलाकार शायद ऐसा हो जिसको ना सुना हो, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर भक्ति का जाल भरती हूँ, मुस्कुराकर भक्ति का जाल भरती हूँ, अपने जज्बातों को अपना गुलाम करती हूँ, सर्वप्रथम उस मैया के शरणों में नमन, और फिर आप सभी सुनने वालों को मैं रिंकी तिवारी प्रणाम करती हूँ, क्योंकि जनता जनार्दन का स्वरूप होती है, आप है तो हम है, हम है तो आप है। बिल्कुल, आइए बाबा गणेश को बुलाएंगे बहुत जल्दी में, और कहना है कि ये बाबा बाबा गजाननम भूतगणाधिशेवितम् जय हो, कपित जम्बो फलचारु भक्षणम् उमाश्रितम् शोक विनाशकारिकम् नमामि विघ्ने शर पाद पंकजम्। आइए महारानी के चरणों में चंद पंक्तियां, या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपे शक्ति रूपे दया रूपे संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जय हो, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए दुर्गे मैया की। आइए, एक भक्त माता रानी के दरबार में जाता है दादाजी, क्योंकि कहते हैं अनंत भक्त हैं तो अनंत प्रकार की इच्छाएं हैं, और जब कई प्रकार के भक्त माता रानी के दरबार में पहुंचते हैं, माता रानी से कहते हैं माँ माँ आज आपका यहाँ पर आगमन हो गया है, अगर आगमन हो गया है तो भैया जी आगमन तो हो गया है, इस परिवार ने मिलकर माता रानी को बुला लिया है, आज हम दोनों कलाकार भी मिलकर इस मैया को बुला रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप हैं आदरणीय मणि भैया श्री विजय पाल सिंह भैया कुर्मिया मऊ, आपकी ओर से ये 51 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद आया है, प्रथम आशीर्वाद आया है, आदरणीय दद्दा से मैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और जैसा कि मुझे पता चला है कि हमारे बीनू दद्दा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप जहाँ भी हो पहले झंडा ऊंचा दिखा दें हमें,
यहाँ पर हैं अगर आप तो मुझे बता दें, मैं चाहूंगी आप मंच पर आ जाएं, आपका स्थान वहाँ पर नहीं, हम दोनों कलाकारों के बीच में बिल्कुल। मैं हाथ जोड़कर अपने भैया बीनू भैया से निवेदन करूंगी कि आप जल्दी से जल्दी इस मंच पर आए, स्वागत है आपका मंच के द्वारा। आइए, जब अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं भक्तों के मन में तो भक्त कहने लगता है कि माँ किसने तेरी चली आना होती तो ये भक्त भगवान बन गया होता। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके सहयोग के लिए। भक्त कहते हैं माँ मा? मैंने सुना है माँ तेरे बिन दुख इसलिए अरे माँ तेरे बिन दुखी तू ना है, स्वरी शरीर में साज भी सुना है, सुनते चली आना कर ना चली जाना। और ये बहुमूल्य आशीर्वाद, एक सौ एक रुपए का आशीर्वाद हमारे आदरणीय सम्मानी बड़े भैया कहते हैं जिस कार्यक्रम में हमारे भैया का आगमन होता है वो कार्यक्रम, उस कार्यक्रम की तो चर्चा ही क्या है। आगमन हुआ है आदरणीय सम्मानी हमारे बड़े भैया श्री बीनू वाजपेयी भैया जी, जो कि आप बड़े ही बड़े
से बड़े कलाकारों को आप बुलाते हैं, बड़े कार्यक्रम अच्छे अच्छे कराते हैं। कालू खेड़ा में भी आप लोगों ने सुना होगा, बड़े विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया है आदरणीय हमारे बड़े भैया की ओर से। हाँ बस हम लोग नहीं आते हैं, हमारे बीनू भाटवी भैया जी की ओर से ये बहुमूल्य आशीर्वाद हमारे ये आया है। भैया से मैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। 101 रुपए हमारे लिए और 101 रुपए हमारे साथ जो ढोलक पर संगत कर रहे हैं श्री नारायण जी के लिए श्री आई है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आशीर्वाद की कामना। आइए माता रानी से कहना है, माँ माँ दो दर्शन आसे आप है आदरणीय सम्मानी हमारे प्रभिया श्री डॉक्टर राम बहादुर पासी भैया, आपकी ओर से 21 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप है भैया श्री अजय सिंह शिव भोला किराना स्टोर पुरानी अमाऊ, आपकी ओर से ये 31 रुपए का आशीर्वाद आया है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। भक्त कहते हैं माँ अरे दो दर्शन आसे लगाए सुनते 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 चली और आकर नौ चली तो सुनते चली होना अपने नाम चली जाना सुनते।